आप किसी दिन सुबह उठते हो और अपने स्कूल या ऑफिस के लिए जाते हो और जाकर आपको पता चले कि आपका स्कूल वहाँ पे है ही नहीं या आपका ऑफिस वहाँ है ही नहीं और वहाँ ऐसी कोई चीज पहले से मौजूद नहीं थी, तो आपको कैसा लगेगा? सो हाउ आर यू गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि मैंडेला इफेक्ट क्या होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मोर ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात आती है 2013 की, जब नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हो जाती है 95 की एज में। तभी कई आदमी सामने आते हैं जो दावा करते हैं कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980s में हो गई थी जब वो जेल में थे। लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है? जो आदमी 2013 में मरा है वो 1980s में कैसे मर सकता है? तो ये घटना जन्म देती है मैंडेला इफेक्ट को, और जो मैंडेला इफेक्ट का जो नाम है वो नेल्सन मंडेला के नाम पे पड़ा है। और मैंडेला इफेक्ट की ये अकेली एग्जांपल नहीं है, इसके साथ साथ और भी कई एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर आप पोकेमोन देखते हो या देखते थे तो आपको पता ही होगा कि उसमें एक करेक्टर है जिसका नाम है पिकाचू, और कई लोगों का कहना है कि पिकाचू की जो टेल है उसके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। उसकी टेल प्रॉपर येलो कलर की है और इसका कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है। पर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो सभी लोग झूठ बोल रहे हों या उनको कोई वहम हुआ है, क्योंकि वहम एक आदमी को हो सकता है, दो को हो सकता है, सभी को तो नहीं। तो कई लोग इस घटना को पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ के देखते हैं कि हो सकता है कि कई लोग पैरेलल यूनिवर्स में गए होंगे, उन्हें पता नहीं लगा होगा। कई एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो लोग जाने अनजाने में किसी पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर गए हों और उन्हें ना पता चला हो, और उस पैरेलल यूनिवर्स में ये सब घटनाएं हुई हों, जैसे कि नेल्सन मंडेला की डेथ हुई हो 1980 और वो पिकाचू वाली घटना कि उसकी टेल पे एक ब्लैक स्पॉट हो। तो ऐसी ही कई और भी घटनाएं हैं जो इस मैंडेला इफेक्ट को जन्म देती हैं, और उनमें से कुछ ये हैं। जैसे कि कई लोगों का कहना है कि जो कोका कोला का लोगो है उसमें कोका और कोला के बीच में कुछ नहीं है, असल में कोका और कोला के बीच में एक साइन है। और कई लोगों का कहना है जो लूनी टून्स का लोगो है उसमें जो टून्स है वो TOONS ऐसे स्पेल करता है, लेकिन असल में वो ट्यून्स है, TUNES है। और जो मोनोपोली का लोगो है जिसमें एक आदमी पैसों वाला बैग लेकर भाग रहा है, तो कई लोगों का कहना है कि उस लोगो में जो वो आदमी भाग रहा है उसकी आंख पे कोई आईपीस लगा हुआ है, लेकिन जब हम गूगल पे सर्च करते हैं और लोगो देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसकी दोनों आंखें नेकड हैं, आंखों पे कुछ नहीं है। और वैसे ही कई लोगों का मानना है कि नील आर्मस्ट्रांग अभी जिंदा है, लेकिन जबकि उनकी मौत 2012 में हो गई है, हम गूगल पे जब सर्च करते हैं तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उनकी मौत 2012 में हो चुकी है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये घटनाएं किस तरफ इशारा करती हैं? ऐसा हो सकता है कि ये किसी पैरेलल यूनिवर्स की घटना हुई हो, कई लोगों ने किसी पैरेलल यूनिवर्स को एक्सपीरियंस किया हो जिसमें ये सभी घटनाएं हुई हों, लेकिन असल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आप ही सोच के देखो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आप किसी दिन सुबह उठते हो और अपने स्कूल या ऑफिस के लिए जाते हो और जाकर आपको पता चले कि आपका स्कूल वहाँ पे है ही नहीं या आपका ऑफिस वहाँ है ही नहीं और वहाँ ऐसी कोई चीज़ पहले से मौजूद नहीं थी, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक ऐसी ही घटनाएं कई लोगों के साथ हुई हैं। हो सकता है कि आपको भी ऐसी कोई चीज़ लगती हो कि जैसे वो मोनोपोली वाला लोगो या वो पोकेमोन में पिकाचू की टेल, ये चीज़ें कई लोगों ने एक्सपीरियंस की है, और कई लोग इसे पैरेलल यूनिवर्स से कंपेयर करते हैं, लेकिन कई लोग इसे कई और घटनाओं से भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन अब अभी तक इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है कि ये है क्या। अभी तक हमारे पास सिर्फ थ्योरीज हैं, लोग इन्हें कई बार किसी चीज़ से जोड़ के देखते हैं, कभी किसी चीज़ से, लेकिन हमें पक्का पता नहीं है कि ये होता क्यों है। और कई और भी ऐसी घटनाएं हैं जैसे ये मैंडेला इफेक्ट, और कई ऐसी और भी घटनाएं हैं जो पैरेलल यूनिवर्स की तरफ इशारा करती हैं। तो पैरेलल यूनिवर्स की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई हमें टॉपिक सजेस्ट करना हो या आपके मन में कोई बात हो इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।